से, ये म्यूजिक सेंसेशन, ये वो सुपरस्टार है जिनके गले में सरस्वती बसती है। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पत्थर के नीचे रह रहे हैं? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत है इनका। लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द सिंगिंग सेंसेशन, द यूट्यूब स्टार धिनचक मौजा। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। I can't believe it कि आप मेरे सामने यहाँ पर हैं। I am just feeling on top of the world। सबसे पहले तो आप दर्शकों से, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? प्लीज आप अगर कुछ भी कहेंगी तो मेरे व्यूज जो है और होपफुली सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। सो प्लीज आप दो शब्द अगर कह दें मेरे व्यूअर्स के लिए। टेक इट ओवर धिनचक मौजा। हेलो डूड्स एंड डूडेस, I hope you know who I am. I'm Dhinchak Mauja. अभी तक नाम नहीं सुना तो YouTube पे जाके चेक कर लो क्या कर के रहे हो अपनी लाइफ के साथ। So I'm sure that you all the fans of mine are so excited to see me over here. कल और पल हर चैनल I come here and we are going to rock. Rock, Jai Mata Di. I will answer all your questions. I am so excited, I'm telling you. So let's begin this video. So, मेरा पहला सवाल है, मैंने आपका गाना सुना है, सेल्फी मैंने ले ली आज. तो आपको ये अमेजिंग गाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? Let me guess. आपको सेल्फी लेने का बहुत शौक है ना? बताइए, आपके चाहने वाले बेकरार है जानने के लिए कि इतने अमेजिंग लिरिक्स आपको कहाँ से मिले। लाइक आई एम श्योर लाइक आपके सेल्फीज को बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं और लोग आपकी सेल्फीज काफी पसंद करते हैं। सो प्लीज टेल आवर व्यूअर्स प्लीज। हाँ, तो मुझे सेल्फी लेना बहुत पसंद है और इट्स लाइक माय हॉबी, यू नो। एंड मेरा बस चला तो मैं सब जगह पे सेल्फी ले दूँ, यू नो। लाइक ओके, मैं टावर में भी यू नो सेल्फी ले सकती हूँ, टट्टी करते वक्त भी सेल्फी ले सकती हूँ, बट यू नो इंडिया इज नॉट प्रिपेयर्ड बेबी फॉर माय स्वैजर। सो दैट्स व्हाई आई एम लाइक यू नो इट्स ओके, यहाँ पे सेंसर बोर्ड का बहुत प्रॉब्लम है तो आई एम लाइक नो वे। वरना धिनचक मौजा का तो लाइक स्वैजर इज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू नो। इवन लाइक लेडी गागा इज लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। स्वैजर, यस ऑफ कोर्स। सो या, सो दिस सॉन्ग सेल्फी मैंने ले ली आज, इनफैक्ट मैं रोज लेती हूँ, तो फिर यू नो दैट्स व्हाई आई एम लाइक इंस्पायर्ड। बेसिकली मेरा रोज का है ये, तो फिर मैंने इसलिए गाना लिख दिया बैठे बैठे। यू नो आई एम सो टैलेंटेड, ऐसे बैठे बैठे मुझे ऐसे मस्त एकदम आइडियाज आते हैं, तो फिर दैट्स द रीजन आई रोट दिस सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मिस मौजा से कि आपका दूसरा गाना जो दारू दारू, मैं क्या बताऊँ, मैं तो उसी गाने पे वर्कआउट करती हूँ लाइक सीरियसली। तो मैं गेस कर सकती हूँ कि आपको पसंद है और आपको पार्टी करना पसंद है। आई थिंक दैट्स हाउ यू गॉट द इंस्पिरेशन फॉर दिस सॉन्ग। नो वे, अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल संस्कारी इंडियन लड़की हूँ। अच्छा, और मैं आई डोंट डू ऑल दिस, यू नो। सो मैम आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, यू नो कुछ भी नहीं, वो ऐसा गांजा वांजा भी कुछ नहीं, यू नो। लाइक मैं संस्कारी हूँ और ये सब तो क्या है, पब्लिक पे डिमांड है ना आजकल, तो यही सब गाने चल रहे हैं, पार्टी कर लें आज, पारी ऑल द नाइट, दारू पियेंगे, ये करेंगे,
तो फिर इसके लिए डिमांड है पब्लिक की, इसलिए मैंने ऐसा गाना लिखा है, वरना असली में मैं बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी नहीं। तौबा, नो वे ना बाबा, मैं तो एकदम संस्कारी फैमिली से आती हूँ। हाँ, हमारा लाइक फार्म हाउस भी है, छतरपुर फार्म हाउस, या एंड हमारे फैमिली में लाइक यू नो लाइक बहुत बड़ी फैमिली है, वी हैव लाइक यू नो गुड पीपल, संस्कारी पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट, या ऑडी मस्जिदी सब कुछ है और हम लोग संस्कारी है, बट यू नो लड़कियाँ, इंडियन लड़कियाँ नहीं करती है, सो सॉरी, बट ये सिर्फ गाने के लिए मैंने ऐसा किया था। कितनी अच्छी बात बोली मैडम ने, तो आपको अभी पता चला कि मैडम सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, संस्कारी भी है। आलोक नाथ जी तो बहुत खुश हो जाएंगे ये इंटरव्यू देख के, और आपको आशीर्वाद भी दे देंगे। सो व्हाट डज स्वैग मीन टू यू? हाँ, तो स्वैगर मीन्स ढिंचक मौजा, आई मीन लुक एट मी, ऊपर से नीचे तक जो स्वैग ही स्वैग है, सो दैट्स व्हाट इट मीन्स टू मी, देयर कैन बी नो अदर मीनिंग, उसका और कोई मतलब ही नहीं हो सकता है कि नहीं। आप क्यों हंस रही है? हाँ, अच्छा, are you blushing looking at me? अच्छा, फैन है। हाँ, एक मिनट, मेकअप दादा, हाँ जरा जस्ट वेट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम, ये जो लड़के हैं आपके सॉन्ग में, ये आपके फ्रेंड्स हैं? ओह प्लीज, आर यू जोकिंग? अरे, दे आर जस्ट सम वेल्ला बॉयज इन माय नेबरहुड, आई थॉट चलो I'll give them some role, you know, money to act. So that's why. Oh yeah, of course. Yeah, my friends are big people. Are Yo Yo, you know, Yo Yo, Bacha, and apna wo naya aajkal speed, Raftar. So all these people are my friends. You know, we hang out together. Not these ladke in my video, they are just like paise deke act karne ke liye bola hai, aise baithe the to maine thoda charity kar diya aur kya. Wow, I would love to meet him. Are you want to meet? Are tell me no. Ha, I love his songs. What, now you like him? Ha, meri fan hai ki uski fan hai badi? Ha, nahi, aapke songs se zyada nahi, but theek tha, ga leta hai. Ha, come on farm out, I'll make you meet him. Yeah. अगला सवाल है कि आपको कब ऐसे लगा कि आपको सिंगर बन जाना चाहिए? What kind of question is this? अरे, I am talented. You can see all swagger. बचपन से I used to first sing in shower and then you know like in our home parties and everything, you know, farm house पे. So everyone in my family also told me that, you know, you should do this rapping. So I said, all right, why not? You know, I have all this swagger and, you know, I'm so cool. So I definitely wear an invisible crown and of course, so I said, why not? मैंने मम्मी को भी बोल दिया तो कि क्यों नहीं मैं बन सकती ना, like, हाँ, okay. So you can understand, I'm in demand so much that even like Carey Minati and Ashish Sansalani, they also need like my name, and you know they're roasting me and they're including my name and saying that, oh, you know, making fun of me because they want more views and subscribers. So I'm like, ठीक है यार, मेरा घर भर रहा है तो तेरा भी घर भरे पैसे से, I'm fine, you know, I'm दिलदार वैसे, I'm like a very giving person. I said, okay, fine. I don't fight. Have you seen me fight? Have you seen me like make another roast video on them? No. So I'm talented and I'm also very giving person. Of course. Unke paas kaam kahan hai? Of course. And lastly, I'm sure aapke fans aapke muh se yahan pe ek gaana sunna chahte hain. Aap koi aise naya gaana bana rahi hai ya, you know, is it in the process of being another blockbuster? To please aap kuch chand lines
you know, suna payengi, to they would be really happy. And I would be really happy. Oh, of course, I was waiting for this time, you know, this moment. So, I'm actually writing this new song, this new number. It goes something like this. Mome mene lele aaj, mome mene lele aaj. Are you laughing? Ma'am, ye family channel hai. I was talking about kulfi. Kulfi, okay. Achha, okay. Yes. I can see that dirty look in your in your eyes. Dirty mind, bloody cheap people. $1 person. Are kulfi ki baat kar rahi hu yaar, kya log hai yahan pe Mumbai mein? Bade chant log hai. आप ऐसा करते हो कल और पल? नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा आप नहीं, आप गाई है, आप गाई है, आप अपने चैनल पे बुलाते हो और ऐसे. वाह, आई एम नेवर कमिंग बैक. सो दिस इज द लवली Dhinchak Mauja गाइज एंड गर्ल्स. आई एम श्योर यू आर सो हैप्पी टू सी हर. आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ मेरे चैनल पे देखा. सो प्लीज इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए. सो नाइस टू मीट यू मैम, सो नाइस टू मीट यू. आज भला कर दिया तो मैं अभी बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, लेकिन अभी वापस नहीं आने वाली मैं. इतनी इंसल्ट, आप समझते क्या हो अपने आप को? चीक पर्सन. आई वुड लव टू सी यू अगेन. यस, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर इन मुंबई. Hello everyone, this is Kelly your pal. I hope you like this video, and if you like this video, please give it a thumbs up. If you haven't heard about Dhinchak Pooja, then you should go and check it out. It's hilarious. I mean, yeah, actually uske views badh rahe hain, jo ki she doesn't deserve, but you know, just for the heck of it, you can check it out. Please comment below and let me know what you think about this video. And please share this video with your friends, and please subscribe if you're liking my channel, if you're liking my videos, and if you want to check out my last video, somewhere here. Until next time, it's bye-bye from me. Take care.